मैं जब प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे चेक करवाती थी, मुझे जो है ये बताया गया था कि इसका वज़न बहुत कम है, ये बढ़ नहीं रहा है और हो भी सकता है कि ये अपने टाइम से पहले जो है वो पैदा हो जाए। मतलब जब शुरू में मसले मसाइल हुए थे तो वो एक, क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा है तो वो बड़ा एक मसला होता है माँ के लिए भी। परेशान हुई थी मैं, क्योंकि इन्होंने मुझे ये तक समझाया था कि अगर आप चाहें तो आप मतलब इसको आप आगे ना लेकर चलें प्रेगनेंसी को। ये जब पैदा हुआ था तो इसका वज़न जो है वो सिर्फ 1 किलो था, तो उस वक़्त इनको फ़ौरन ही नर्सरी में यहाँ रख दिया गया था। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई थी कि माशाल्लाह से अब ज़िंदा हैं तो ये होगा कि इनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। NICU की टीम ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है हर चीज़ में, समझाने में, सब चीज़ों के जो है वो यहाँ पे मुकम्मल टेस्ट हुए उन सब चीज़ों के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह के वो सारी चीज़ें नॉर्मल आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह के फिर ये इन सबकी सपोर्ट से बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। मतलब ये अभी 2.5 साल के हैं, अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने मतलब इसको एक नई ज़िंदगी दी है और अब जो है वो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मतलब वो इतनी तकलीफ़ें मैं देखकर और मैं इसको यहाँ तक देख रही हूँ अब इतना बड़ा। बस मैं डोनर्स को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके वो डोनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हो सके जो कि इलाज के मुस्तहिक हैं।